चुनाव के समय आमतौर से सब राजनीतिक पार्टियां के जो नेता हैं वो आपके सामने आकर प्रचार करती हैं, और प्रचार में आमतौर से उनको ये बातें करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब होता है, मतलब आपकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या करेंगे, और पिछले 5 सालों के लिए उन्होंने आपके लिए क्या किया। एक अजीब सा सिलसिला जारी हुआ है हमारे देश में, और वो ये है कि पूरे 5 सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। तो जब भी आप टीवी चलाएंगे या अखबार देखेंगे तो आपको बड़े बड़े प्रचार आपके के सामने किए जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जाने इस देश में इतना विकास हो गया है 5 सालों में कि 60-70 सालों से इतना काम नहीं हुआ। लेकिन जितना प्रचार आप देखते हैं, इश्तिहार आप देखते हैं, बड़े बड़े उस पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें होती हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं। एक इश्तिहार मैंने देखा कि बिजली की बिल पर मारी तलवार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो एक तरफ एक झूठा प्रचार कि बिजली के बिल कटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक असलियत कि बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, जबकि बिजली ही नहीं आ रही है। तो ये जो फर्क है प्रचार में और असलियत में, अब चुनाव आया तो प्रचार और भारी होने लग गया। मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और 50 सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने, और 5 सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, तपस्या अहंकार को तोड़ती है, तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है। इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है, तोड़ा है। आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है, वो सिर्फ इस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंगों में आपको भाषण देने आते हैं। तप करने वाले इंसान दर्द मंदों के दर्द पर अपनी सत्ता की इमारत नहीं बनाते। तप करने वाले इंसान आदिवासी बहन भाइयों की तपस्या का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज देश के किसान की ये स्थिति है कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको उपज का दाम नहीं दिलवा पाए, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको बीज और खाद समय पर नहीं दे पाए, और जब हजारों की तादाद में देश भर से, प्रदेश से, हर प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान नंगे पांव पैदल दिल्ली शहर में आए, प्रधानमंत्री के द्वार तक आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी हमारी 5 मिनट के लिए समस्याएं सुन लीजिए, तो हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री मौन रहे, अपने दरवाजे से निकलकर 5 मिनट के लिए उन किसानों से मिल नहीं पाए। उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए समय नहीं है, उनके पास मात्र समय है कि वे दुनिया भर का भ्रमण करें, अमेरिका जाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलें, चीन के राष्ट्रपति से मिलें, जापान के राष्ट्रपति से मिलें, यूरोप में जाकर उनके राष्ट्रपतियों से मिलें, तमाम दुनिया में वो भ्रमण करें, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान के गरीबों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहा। देश का नौजवान भटक रहा है, त्रस्त है, परेशान है, लेकिन हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री के पास देश के नौजवान की आवाज भी सुनने का समय नहीं है। आज इनके शासनकाल में 5 करोड़ रोजगार घटे हैं, 5 करोड़ रोजगार बहनों और भाइयों कम हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी की, आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए, आपने अपनी देशभक्ति दिखाई, आपको गुमराह करके कहा कि देश में सारा काला धन वापस आ जाएगा। असलियत क्या है? एक भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे, आपको परेशान किया गया,
और इतने बड़े तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस नोटबंदी द्वारा, सिर्फ उस नोटबंदी द्वारा 50 लाख रोजगार खत्म कर डाले। यहां आकर आपसे तमाम बातें करते हैं, कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे। मैं पूछती हूं, अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप किसान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप नौजवान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप मेरी बहनों को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? क्या सुरक्षा के लायक नहीं है इस देश के वासी? तमाम भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ, लेकिन इन चीजों का जवाब आपके सामने कभी नहीं दे पाते। जब जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ बड़ा बड़ा प्रचार होता है, सिर्फ फिजूल की बातें होती हैं, आपको नए सपने नई उम्मीद दिलवाते हैं, लेकिन जो पुराने सपने दिलवाए थे 5 साल पहले, जिनको इन्होंने चूर चूर कर दिया, इनके बारे में आपको एक भी लफ्ज नहीं कहते। इंदिरा जी की पोती हूं और आज आपके सामने खड़े होकर आपसे एक आग्रह करना चाहती हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप पूरी तरह से जागरूक बन जाइए। आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है, आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, और 5 सालों के लिए आपका निरादर किया गया है, आपको नकारा गया है। आज चुनाव आ रहे हैं तो बड़े बड़े बातें हो रही हैं मंच से, और जिस मंच पे बैठे हुए नेता हैं, जो भी नेता हैं, चाहे मैं हूं, चाहे सीएम साहब हैं, चाहे भूरिया जी हैं, या चाहे भाजपा के तमाम नेता और प्रधानमंत्री हैं, जितने भी नेता इस मंच पे बैठते हैं, आपके सामने प्रचार करने आते हैं, उन सबको आपने बनाया है, उन सबको आपने मजबूती दी है। आपकी शक्ति के बिना किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो आकर मंच पे खड़ा हो। इसीलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपनी शक्ति को पहचानिए, जागरूक बनिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आपके सामने। ये जो वोट है आपका, ये बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत करिए। इसीलिए आज इस मंच पर खड़े हुए मैं इंदिरा जी की याद आपको दिलाते हुए ये कहना चाहती हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप एक ऐसी सरकार लाइए जो आपकी शक्ति वापस अपने हाथों में दे। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो फिजूल की बातें करने के बजाय आपको ये बताए कि आपके लिए क्या किया है और आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं आज आप सबसे आग्रह करती हूं कि वोटिंग के दिन, जिस समय आप पोलिंग पे जाएंगे और किसी पार्टी के पक्ष में बटन दबाएंगे, तो मेरी बातों को याद रखिए और उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वो आपकी भलाई के लिए कह रही हूं। आपके सामने खड़े हुए कभी मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई ये है कि ये सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही है। जो आपकी किसान की बीमा का पैसा है, वो भी 10,000 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जाता है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी किसान के कर्ज माफ कर रही है, भाजपा के नेता हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें झूठा कहते हैं, और ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है गरीबों को देने के लिए, किसान के कर्ज माफ करने के लिए। सच्चाई क्या है बहनों और भाइयों? 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। ये स्थिति है, ये सच्चाई नहीं कहते, ये आपको झूठ झूठ से गुमराह करना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे, ये सत्ता में रहें और आपको कुचल जाएं, इस लोकतंत्र को तोड़ डालें। इसीलिए ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में सोच समझ कर अपना वोट दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद।